हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम तीन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उनमें कैसा मौका बन रहा है। आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद है और यह जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो आज का हमारा पहला स्टॉक लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ये स्टॉक सोमवार 16 अक्टूबर 2023 को 287 रुपए और 10 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तौर पर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 332 रुपए और 80 पैसे है और 52 वीक लो 220 रुपए और 50 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 281 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 294 रुपए और 70 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 307 रुपए और 85 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 320 रुपए और 55 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 281 रुपए और 20 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 269 रुपए और 70 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 254 रुपए और 15 पैसे। इस स्टॉक में 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के लास्ट क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर नीचे या तो फिर अपने एनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा दूसरा स्टॉक आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ये स्टॉक सोमवार 16 अक्टूबर 2023 को 19 रुपए और 95 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तौर पर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 22 रुपए और 40 पैसे है और 52 वीक लो 10 रुपए और 10 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 18 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 20 रुपए और 55 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 22 रुपए और 40 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 23 रुपए और 30 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 19 रुपए और 25 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 18 रुपए और 15 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 17 रुपए और 40 पैसे। इस स्टॉक में 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के लास्ट क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर नीचे या तो फिर अपने एनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा तीसरा स्टॉक दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ये स्टॉक सोमवार 16 अक्टूबर 2023 को 680 रुपए और 95 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तौर पर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 1062 रुपए है और 52 वीक लो 512 रुपए और 40 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 620 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 694 रुपए और 20 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 721 रुपए और 25 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 760 रुपए और 20 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 658 रुपए और 75 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 619 रुपए और 80 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 607 रुपए और 55 पैसे। इस स्टॉक में 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के लास्ट क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर नीचे या तो फिर अपने एनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाया जा सकता है। दोस्तों, यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इनमें कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।